मेथी के पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी हरी मिर्ची लेंगे, उसमें थोड़ी बारीक कटी हुई मेथी लेंगे हरी, बारीक कटी हुई मेथी ले ली। फिर हम उसमें थोड़ी लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, और थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और एक चम्मच तेल डालेंगे। फिर इसको हम चम्मच से अच्छे मिक्स कर देंगे। अब हमने ये अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम मेथी का पराठा बनाएंगे। इसके लिए सिंपल गूंथा हुआ आटा ही होगा, अपन जो जिसकी रोटी बनाते हैं वैसे ही सिंपल आटा होगा, उससे हम स्टफ पराठा बनाएंगे। इसमें हम ये मेथी अच्छे से फैला देंगे। हमने इसको ऐसे बना दिया, अब इसे फोल्ड कर देंगे, गोल गोल घुमा के उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब हम इसका पराठा बना देंगे। ये पराठा बन चुका है, इसको हम तवे पर रख देंगे, अब सेकने के लिए रख देंगे इसको। इस पे तेल लगाएंगे, या आपको घी पसंद है तो घी लगा, इसी क्या और इसको ऐसे सेक देंगे अच्छे से, थोड़ा सा तेल कर। पराठा दोनों तरह से अच्छी तरह से सीख गया है, अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको अचार से, मिर्ची के अचार से, सॉस से, या दही से, किसी से भी हम इसको खा सकते हैं।